बीडी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं ऑपरेशन जारी है, तो अभी आप यहाँ पे आए हैं, विक्टिम फैमिली से आप मिले हैं, तो क्या यहाँ पे आपने कहा और क्या दुआएं? अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलाम अला नबी मुस्तफा नबीना मोहम्मद व अलैहि वसहबी अजमाइन, अम्मा बाद। ये जो दिलखराश और दिलदोज वाक़ा कल यहाँ पे देखने को मिला, इस वाक़े ने पूरी कौम को न सिर्फ इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर, रूहानी तौर पर, समाजी तौर पर मुतासर किया, बल्कि इस वाक़े ने हमारे ज़मीर को झंझोड़ा कि हम अल्लाह को इस तरीके से इस वक्त नाराज़ किए हुए हैं कि अल्लाह हमसे हमारे मासूम भी छीन रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के हुजूर तौबा करें, सरबस सुजूद हो जाए और कुरान की इस आयत का अमली मिसदाक बन जाए, वतूबु इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। इज्तिमाई तौर पर हमें अल्लाह के हुजूर तौबा करने की ज़रूरत है। इस वक्त भी हमारे चंद मासूम अभी पानी में ही डूबे हुए नजर आ रहे हैं, अभी उनकी जज्द खाकी हमें वापस नहीं मिल रही हैं, जिसमें एक मासूम का वालिद गिरामी भी उसमें शामिल है। हम अल्लाह के हुजूर दस्त बदुआ हैं कि अल्लाह ज़र्रो दर का मालिक है, अल्लाह ही पानी पे, खुशकी पे हुकूमत करता है। हम अल्लाह को उसकी सल्तनत और उसके रहम करम का वास्ता दे के ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह जल्द हमें इन सभी की जस्द खाकी वापस अता फरमाए और हमें आइंदा इन मसाइब और मुश्किलात से हमेशा के लिए छुटकारा और आज़ादी अता फरमाए। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अगर हम अभी तक अल्लाह के नाफरमान बने हुए हैं, लेकिन इस वाक़े ने पूरी कौम को इस बात पे मुतमाइन और इस बात पे इत्मीनान देने में अपने आप को एक नसीहत के तौर पर सामने लाया कि हम इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के फरमाबरदार साबित हो जाएंगे, अल्लाह के वफादार साबित हो जाएंगे। उम्मीद कवी है अल्लाह की रहमत पे कि इन सभी जस्द खाकी को अल्लाह अपने फजल व करम से जल्द अज जल्द अपने हकदार तक पहुँचाए।